गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास एथ साइंस एंड आवर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड टॉपिक इज द स्पर्म सेल एंड एक्सेल द मेल एनिमल्स प्रोसेस ए पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन कॉल टेस्टिस तो जो मेल एनिमल्स होता है उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे टेस्टिस कहते हैं ईस्ट टेस्टिस इज ए इन ए मेच्योर मेल प्रोड्यूस स्पम सेल प्रत्येक टेस्टिस से मेल प्रोड्यूस करता है स्पम सेल को द फीमेल एनिमल्स हैज़ ए पेयर ऑफ ओबरीज फीमेल एनिमल्स में एनिमल्स में एक पेयर ओबरीज की पाई जाती है द ओबरीज प्रोड्यूस एक्सेल ओबरीज जो होती है वो एक्सेल प्रोड्यूस करती है द स्पर्म एंड एग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड गैमिट तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं स्पर्म और एग इन्हें गैमीट कहते हैं स्पर्म इज द मेल गैमीट एंड एग इज़ द फीमेल गैमीट देर सोल फंक्शन इज टू गिव राइज इन न्यू ऑर्गेनिज्म तो इनका काम क्या है कि नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करना फर्टिलाइजेशन ऑफ यग सेल स्पर्म मर्ज विथ एन यग सेल एन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ द यग सेल जब स्पम सेल का और यग सेल का दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस हो जाता है वेन दिस हैपन्स द यग गेट फर्टिलाइज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल फर्टिलाइजेशन तो यग जो है फर्टिलाइज हो जाता है और उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सिमिलर टू ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बी in the following plants insect and human beings in animals fertilizations occurs in two ways external and internal external fertilization in many aquatic animals such as fish frog fer fertilization take place outside of the body बहुत सारी एक्वाटिक एनिमल हैं जैसे फिश है फ्रॉग है इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है द फीमेल एनिमल्स रिलीज यग इन द वाटर एट द सेम टाइप द मेल रिलीज स्पम्प इन द वाटर द स्पम स्विम इन वाटर एंड ऑन रीचिंग एन एग वन ऑफ देम पेनिट्रेट द एग एंड फर्टिलाइज इट देन फर्टिलाइज एग रिमेंस इन द वाटर एंड डेवलप इन टू ए न्यू इंडिविजुअल द Diagram life cycle of frog. Here, egg, and here, fertilize egg. Here, tadpole. In breathes with the gills like a fish. Then legs and lungs begin to grow, and the tail shrink, and the tadpole can breathe it with lungs. And it when it is uh, inside the water or inside the soil, they have breathe in his skins moist skin and here adult frog internal fertilization uh, in all kinds of land dwelling animals such as insect reptiles snakes lizard tortoises and crocodile bird and mammals fertilization does not occur in the external environment this is because the land offers dry condition वेयर एज द यग एंड स्पम सेल रिक्वायर ए वाटरी मीडियम टू सर्वाइव। इन ऑल दीज एनिमल्स यग सेल फर्टिलाइज बाय द स्पम सेल इन साइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस टाइप फर्टिलाइजेशन इज कॉल इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इंसेक्ट में रेप्टाइल में बर्ड में मैमल्स में पाया जाता है इसमें यग और स्पम सेल दोनों के गैमीट मिलकर यू वो गैमीट आर न्यूक्लियस फ्यूज विथ हीच अदर एंड फॉर्म इज आई गोट इज कार्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंसेक्ट रेप्टाइल एंड बर्ड लेज यग एनिमल्स विच लेग इज कार्ड ओबी पेरस इंसेक्ट स्पाइडर से रेप्टल एंड बर्ड्स एंड फीमेल लेव फर्टिलाइज यग विच इज डेवलप्ड इन यू इंडिविजुअल द फर्टिलाइज यग इज कवर्ड विथ ए सेल टू प्रोटेक्ट इट फार्म ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट On receiving proper warmth, the young one develops inside the egg. When the development is complete, the baby animals hatch out the egg. In the case of frog and insects, such as butterflies and moth, there are a few stages of development. During these stages, the young one undergoes bodily, bodily changes before. इट एक्वायर टू द फाइनल फॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल कैटर पिलर हैच फॉम एंड एग ऑफ बटरफ्लाई द कैटर पिलर इज ए लार्वल स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई द लारवा टर्न इन टू द प्यपा एंड प्यपा बिकम ए बटरफ्लाई द चेंजेज अकर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दीज एनिमल्स इज नोन एज मेटामार्फोसिस तो जो कैटर पिलर से पीवपा और पीवपा से एडल में कन्वर्जन होता है चेंजेस होते हैं उसे मेटामार्फोसिस कहते हैं मैमल गिव बर्थ यंग वंस ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस ए मैमल हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज कार्ड वी वी पैरस तो ऐसे एनिमल्स जो यंग वन को बर्थ कराते हैं उन्हें बेबी पेरस कहते हैं डिड यू नो अबाउट फीमेल कंगारू हैज ए पाउच फीमेल कंगारू में पाउच पाया जाता है वेन द बेबी कंगारू इज़ बॉर्न इट इज़ नॉट फुली डेवलप इट इज़ ओनली अबाउट ए इंच ऑफ बर्थ आज सुन आइज बॉर्न इट इज़ बॉर्न इट क्लाइम टू द मदर पाउच एंड रिमेन्स देयर फॉर अबाउट नाइन मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड इट फीट द मदर मिल्क वंस इट इज़ द फुली डेवलप इट Leave the pouch. Such animals are called marsupials, they are mostly found in Australia. Thank you, student.